गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट। जैसे हम लोग बिना पैन शर्ट का किस तरह लगेंगे, उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बिना यूनिट का उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए पहले समझिए, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल यूनिट, हम लोग हेडिंग देते हैं यूनिट यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस are known as exact science। फिजिकल साइंस को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो फिजिकल क्यों बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस? बिकॉज दे गिव्स एक्यूरेट नॉलेज। फिजिकल साइंस इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज फिजिकल साइंस गिव्स एक्यूरेट नॉलेज। एक्यूरेट नॉलेज देता है कौन? फिजिकल साइंस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो एक्यूरेट नॉलेज देता है, तो एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। फॉर एक्यूरेसी एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए? फॉर एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। एक्यूरेसी कहाँ से आएगा? तो मेजरमेंट से आएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल साइंस आर नोन एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज फिजिकल साइंस गिव्स एक्यूरेट नॉलेज। फॉर एक्यूरेसी या एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, इसको हटा दीजिए फॉर नहीं, एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज ए टेक्निक बाय विच न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल साइंस को कहते हैं हम लोग एग्जैक्ट साइंस। फिजिकल साइंस आर नोन एज एग्जैक्ट साइंस। क्यों कहते हैं? बिकॉज फिजिकल साइंस गिव्स एक्यूरेट नॉलेज। एक्यूरेट नॉलेज देगा तो एक्यूरेट, इसको एग्जैक्ट साइंस कहेंगे। एक्यूरेसी कहाँ से आता है? तो एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज ए टेक्निक बाय विच असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटी।
तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ किसी चीज़ को मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम लोग क्वांटिटी, तो ये दो पार्ट में आता है, नंबर और यूनिट में, नंबर इनटू यूनिट। जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं लेंथ, जैसे लेंथ बोलते हैं, लेंथ बोलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर लिखते हैं 5 मीटर 10 मीटर, तो ये हो गया मान लीजिए 10 मीटर, 10 हो गया नंबर, यूनिट हो गया मीटर। तो हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो ये लेंथ, वॉल्यूम लेंगे तो 5 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, तो क्या लेते हैं हम लोग 5 लीटर 10 लीटर जो लेना है, मतलब कहने का मतलब एक होगा नंबर, दूसरा होगा यूनिट, तभी ये हो जाएगा, तब ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल साइंस आर नॉलेज, एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज फिजिकल साइंस गिव्स एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज देता है, तो एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, मेजरमेंट इज ए टेक्निक बाय व्हिच असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं, तो नंबर एक लेना होता है, उसमें यूनिट लेते हैं, तो जैसे लेंथ लिए 10 मीटर, इधर ले लिए 10 मीटर, तो टेंथ हो गया नंबर और मीटर हो गया ये। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट, ये तो यूनिट के अंदर का पार्ट था, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। देखिए यूनिट क्या है, ए क्वांटिटी या ए डायमेंशन, ए क्वांटिटी लेते हैं, ए क्वांटिटी एडॉप्टेड ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड, ए क्वांटिटी अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। क्या है, ए क्वांटिटी अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड हम लोग अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसी को हम लोग इस यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट का दो पार्ट होता है, यूनिट दो पार्ट, ऐसे तीन पार्ट है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे, दोज यूनिट विच नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, यानी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर है, तो दोज यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वैसा यूनिट जो दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट हो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मेनली जो यूनिट है जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट में पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, मास लेते हैं,
मास का होता है केजी, किलोग्राम मतलब केजी हो गया, लेंथ लेते हैं, लेंथ का होता है मीटर, मीटर सिंबल है, इसको पढ़ते हैं किलोग्राम, किलोग्राम। अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं मीटर। मास लेंथ, उसके बाद हम लोग लेते हैं टाइम, टाइम हम लोग लेते हैं सेकेंड में, युवा सेकेंड। उसके बाद हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, तो शॉर्ट में लिख देते हैं एमपी, इसको एम पियर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, के में, इसको पढ़ते हैं केल्विन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसको पढ़ते हैं कैंडला, क्या पढ़ते हैं कैंडेला, CANDELA होता है, कैंडेला होता है। और लास्ट जो पढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये मेन फंडामेंटल यूनिट हुआ, ये तीनों हो गया मेन फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। ये चारों भी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मेन जो है मेन फंडामेंटल यूनिट यही है। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ देखिए पढ़ते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही हम लोग के लिए मेन है केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 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 इसको हम लोग पढ़ते हैं मोल में, ठीक है, इसको पढ़ते हैं मोल, मोल याद रखिएगा। दोज यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर भी बोल सकते हैं, या अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये सब इसका फंडामेंटल यूनिट है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिकल करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये आपका मेन हो जाएगा, बाद में हम लोग एक टॉपिक ही पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए डिराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे, दोज यूनिट विच फॉर्म्स फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, दोज यूनिट, दोज यूनिट विच फॉर्म्स फ्रॉम या डेराइव्ड फ्रॉम, विच डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, इसको क्या कहेंगे डेराइव्ड यूनिट। वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है या फंडामेंटल यूनिट से बनता है उसको कहेंगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड है, सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट नहीं,
अब जिसे लेते हैं फोर्स या प्रेशर, प्रेशर पढ़ते हैं तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं हम लोग, और न्यूटन को भी क्या पढ़ेंगे, केजी पर मीटर। तो न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया एम केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया मेरा फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, ये सब डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब इसमें पढ़ना है थोड़ा, इसमें पढ़ना है थोड़ा क्या चीज, सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए अब ये यूनिट का ही पार्ट था फंडामेंटल यूनिट, अब जितना भी यूनिट निकलेगा सब इसी से निकलता है, तो हम उसको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए अगर सर्किल है, प्लेन में है, सर्किल है, ये मान लीजिए सर्किल है प्लेन में है, ये अगर सेंटर से इसे कटिंग करते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम लोग रेडियन में। तो प्लेन एंगल का बोलते हैं हम लोग, इसका यूनिट होता है रेडियन, लेकिन यही सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल का ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट किसको कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं तब ये यूनिट पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट किसको कहेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन कर सकते हैं इसको, द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन आर नॉन एज एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए कहता है फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन, प्लेन में करते हैं तो उसको एंगल पढ़ते हैं, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन में रहता है तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो जैसे कोई गोला है, स्फेयर है, तो स्फेयर का जब सेंटर से हम लोग कटिंग करेंगे तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, और जब वही सर्किल में रहेगा, प्लेन में रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंगल। ठीक है, तो सर्किल के लिए हम लोग सिंपल पढ़ेंगे, प्लेन के लिए हम लोग लेते हैं फॉर प्लेनर एंगल, प्लेन के लिए लेते हैं हम लोग, प्लेनर एंगल के लिए हम लोग लेते हैं रेडियन में मेजर करते हैं, फॉर
सॉलिड एंगल मेजर करना है तो स्टेरेडियन में इसको हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो ये दोनों जो कहलाता है, ये दोनों कहलाता है सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। ये दोनों क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन नोन एज एंगल और सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेनर है, इसका जब सर्किल से कटिंग करते हैं तो ये सिंपल एंगल कहलाता है, इसको रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन यही जब सॉलिड फॉर्म में आ जाए, इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से है, ये सॉलिड फॉर्म है। अब अगर यहाँ से यहाँ कटिंग कर लेते हैं, देखिए ये कटिंग कर लिए तो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये कहलाएगा अब आपका स्टेरेडियन। इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, इसको जो मेजर करेंगे हम लोग इसको रेडियन में मेजर करेंगे। ये हुआ प्लेनर एंगल, ये हो गया मेरा सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड एंगल। तो एक सप्लीमेंट्री यूनिट किसके लिए? रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए आज हम लोग यूनिट पढ़ लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम जो है फोर टाइप्स का है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है फोर टाइप्स का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम। तो इसके अंदर हम मास को जो मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को सेकेंड में ही मेजर करते हैं, लेंथ को, यही मेरा मेन फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ये आएगा सीजीएस यूनिट। दूसरा है एफपीएस सिस्टम के अंदर मास को हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम को इसमें भी करते हैं सेकेंड में, ठीक है, और लेंथ को हम लोग इसमें मेजर करते हैं, लेंथ को फुट में। तो इसी फुट एफ पी एस हम लोग उल्टा लिख लिए, सी जी एस ऐसे था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड, हम लोग उल्टा लिख लिए नहीं, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए लेंथ मास हो जाएगा मेरा ग्राम में, तब सी जी टाइम लेते हैं इसमें सेकेंड में, इसी तरह लिखते हैं हम लोग, अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए लेंथ हो गया फुट में,
एफ पी एस मास हो गया पाउंड में और टाइम हो गया मेरा फिर सेकेंड में। ये एफ पी एस सिस्टम कहलाता है। तीसरा सिस्टम है एम के एस, एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम में लेंथ जो लेते हैं हम लोग, लेंथ मास और टाइम। एम के एस सिस्टम में मास लेंथ लेते हैं मीटर में, मीटर में मास लेते हैं केजी में, टाइम इसमें भी लेते हैं सेकेंड में। टाइम सब में क्या है, सेकेंड में है। चौथा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग एस आई यूनिट। हम लोग जो पढ़े लेंथ, अभी जो लिखे थे सब हम लोग लिखे थे एस आई सिस्टम में, लेंथ मीटर मास केजी टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट ये लेते हैं एम्पियर में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर को कौन सी मेजर करते हैं, केल्विन में नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नस इंटेंसिटी। इसके पहले भी लिखवे किए हैं सब चीज़, इसलिए पूरा नहीं लिख रहे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कौन सी पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग पढ़ते हैं मोल में। यही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट का सिस्टम क्या क्या है, सी जी एस यूनिट है, एफ पी एस यूनिट है, एम के एस है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये सब हुआ आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका जो डाटा रहता है ना वो थोड़ा याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे डाटा है मैट्रिक्स या एसआई प्रीफिक्स है, एसआई सिस्टम का ही अब हम लोग सब चीज़ जो पढ़ेंगे, अभी जो फॉलो हो रहा है एसआई सिस्टम हो रहा है, तो एसआई सिस्टम के लिए ही हम लोग को सब चीज़ पढ़ना है। तो एसआई सिस्टम में देखिए, एसआई सिस्टम में फॉर एसआई सिस्टम में हम लोग लेंगे प्रीफिक्स सिंबल और मीनिंग। जैसे बोलेंगे एक्सा, ई एक्स ए बोलेंगे, उसके बाद बोलते हैं पेटा, क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं, तो पेटा बोलते हैं, पेटा को इस एक्सा को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, पेटा को करते हैं पी से। इसका मीनिंग होता है 10^18, इसका मीनिंग होता है 10^15, पेटा को 10^15, टेरा, टेरा बाइट जिसे बोलते हैं ना कंप्यूटर में टर्म होता है टेरा, इसको डिनोट करते हैं टी से, ये होता है 10^12। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं गीगा, गीगाबाइट, ये कौन सी का टर्म है, कंप्यूटर का टर्म है जी, इसको हम लोग लेते हैं 10^12।
नाइन, चंद्र बाबा नाइन। गीगा की बात पढ़ते हैं, मेगा मेगा, इसको जूनियर करते हैं एम से, ये होता है चंद्र बाबा सिक्स, जैसे मेगा मीटर बोलेंगे, चंद्र बाबा सिक्स मीटर हो जाएगा। किलो, किलो केजी से हम के से डिनोट करते, केजी से डिनोट करते हैं किलो को, किलोग्राम ने किलो को के से करेंगे, ये हो जाएगा टेंडर पावर थ्री। डेसी अगर है तो डेसी को हम लोग डिनोट करते हैं कौन सी में, डी से, ये होता है टेंडर पावर माइनस वन। सेंटी, सेंटी को सी से, ये होता है टेंडर पावर माइनस टू। अब इसी में जैसे सेंटीमीटर बोलेंगे डेसीमीटर तो डीएम, किलोग्राम तो केजी, मेगामीटर मेगा बाइट तो वो लिखते हैं हम लोग, वो सब टर्म कंप्यूटर का है। अब मिली, मिली लेते हैं तो एम से डिनोट करते हैं, ये होता है टेंडर पावर माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है टेंडर पावर माइनस सिक्स। नैनो, ये सब हो गया नैनो पार्टिकल, हम लोग पढ़ते हैं नैनो को डिनोट करते हैं एन से, ये होता है टेंडर पावर माइनस नाइन। पीको, पीको को पी से, जैसे पिकोमीटर था पी एम लिख देंगे, टेंडर पावर माइनस ट्वेल्व। पीको के बाद फेमीटो, फेमीटो होता है इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये होता है टेंडर पावर माइनस फिफ्टीन। और अट्टो, अट्टो है इसको डिनोट करते हैं ए से, ये होता है टेंडर पावर माइनस एटीन। ये सब एसआई सिस्टम के लिए, ये सब एसआई सिस्टम में लागू रहता है, तो इसको थोड़ा देख लेना। मेनली जो ज़रूरत पड़ेगा आपको सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, ये सब का यूज नहीं पड़ता है। इधर फिर किलो तक यूज पड़ेगा, डेसी तक यूज पड़ेगा, इधर सब भी यूज नहीं पड़ता है, पेटा फेटा कभी यूज नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया एसआई सिस्टम के लिए। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये बहुत ज़रूरी है, ये जान लीजिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग कौन सी में मेजर करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, लीटर में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में मेजर करते हैं, मिलीलीटर इसे लिखते हैं मिली लीटर में, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि वन लीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है, वन डेसी मीटर क्यूब, डीएम जो लिखे हैं डेसी मीटर क्यूब, यही देखिए डीएम लगाए डी हुआ डेसी मीटर क्यूब। और वन एमएल जो लेते हैं ये होता है वन सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको, ये यूनिट का। और उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये था मेरा यूनिट, यूनिट हम लोग पढ़ लिए। यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी जो होता है एग्जैक्ट साइंस होता है, इसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब एसआई सिस्टम के अंदर आया, एक्सा टेंडर पावर 18, एक्सा का उल्टा एटो हो गया, पेंट का उल्टा फर्मीटो हो गया, पीको का उल्टा उधर टेरा हो गया, यही ना हो गया। और पेटा, ये पेंट लिखा गया, पेटा है ये, पेटा, ठीक है। टेरा, टेराबाइट बोलते हैं ना हम लोग,
टेरा गीगा मेगा किलो डेसी सेंटीमीटर ये सब इसका यूनिट है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे, ये सब जो टिक मरा हुआ है ये सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे कभी मेगा का भी ज़रूरत पड़ता है, गीगा सब बोलते हैं कंप्यूटर में ज़्यादा यूज होता है, टेरा बाइट ज़रूरत होता है, पेंटा पेटा उटा का तो ऐसे भी बहुत कम यूज होता है, ये सब नहीं बराबर, जो टिक मरा हुआ है इतना का ही ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए यूनिट, ठीक है, तो इसको देखेंगे आप लोग, यूनिट का हर जगह ज़रूरत है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग वीडियो देखेंगे इसको।